इसमें दो बंदे थे ये, एक का नाम जेपी है और एक का विक्की है, ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। हाँ, अब ये लूट की योजना बनाने की फिराक में थे, यहाँ कोई राहगीर को या किसी गाड़ी वगैरह इनको स्नैच करनी थी। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों को लगी है गोली। दोनों आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। एसएजी क्राइम यूनिट सोनीपत इंचार्ज अजय धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने कुंडली में पेट्रोल पंप लूट मामले में एक ट्रक ड्राइवर व अन्य को मारी थी गोलियां। उसी मामले अजमेर रेवली के पास बदमाशों का एनकाउंटर, दो को लगी है गोली। इन आरोपियों की पहचान जयप्रकाश उर्फ जेपी व विक्की के रूप में हुई है। दोनों आरोपी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले कुंडली क्षेत्र में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। पेट्रोल पंप कर्मचारी व ट्रक चालक को मारी थी गोली। सीआईए थरी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। दोनों आरोपी एक और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दोनों आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी रखा गया था। मौके पर एफएसएल की टीम और स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद। ये दो आदमी थे जो पेट्रोल पंप वाली लूट थी, जिसमें तीन आदमियों को गोली लगी थी। उसमें हमारी सीआईए तीन की यूनिट को इस बात की इन्फॉर्मेशन लगी थी कि भाई ये यहाँ और लूट की योजना बना रहे हैं, तो इसकी सूचना पर ये यहाँ गश्त कर रहे थे। तो इन्होंने जैसे ही उनसे पूछताछ करनी चाहिए, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी और हमारी पुलिस की गाड़ी पर भी गोली लगी है और पुलिस ने भी अपनी सूझबूझ से जान बचाई और उनको पकड़ा। इसमें दो बंदे थे ये, एक का नाम जेपी है और एक का विक्की है, ये दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। अभी वो अभी पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। तो कहीं यहाँ शहर में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के? हाँ, अब ये लूट की योजना बनाने की फिराक में थे, यहाँ कोई राहगीर को या किसी गाड़ी वगैरह इनको स्नैच करनी थी। अभी उनको दो बंदे वो इंजर्ड हुए हैं जो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट। दोनों को गोली लगी जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।